गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बहुपद एवं गुणनखंड के क्वेश्चन नंबर 20 तक प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 37 के बीच करीब 10 से 12 क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो टोटल शुरू से अंत तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है x³ + 1/x³ - 2 का गुणनखंड है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ए आपका x³ + 1/x³ है। उसके बाद से -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 1। -2 को हम लिख सकते हैं -3 + 1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे हमारा यह क्वेश्चन आसान हो जाए और हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सके। अब ध्यान से आगे देखिएगा, यहां से प्यारे दोस्तों एक को हम 1³ भी लिख सकते हैं। 1³ करेंगे, 1 ही रहेगा, प्लस x³ है, इसको हम लिख सकते हैं x³ + 1/x³ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x³, क्योंकि 1³ करेंगे 1 ही होगा, x³ करेंगे x³ होगा। ठीक, अब देखिए 1 तो इधर आपका चला आया, अब -3 है तो -3 है ही। अब ध्यान से देखिएगा, -3 तो a³ + b³ + c³ होगा। यदि यही -3abc होता तो हमारा फार्मूला बन जाता। तो -3 है, a का मान आपका कितना है 1, b का आपका मान कितना है x, c का मान कितना है 1/x। अब देखिए x से कैंसिल, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 होगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, यानी फाइनली आपका 3 ही आ रहा है। यानी कि जो आपका यह समीकरण तैयार हो रहा है वह a³ + b³ + c³ - k³abc के रूप में है। तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि a³ + b³ + c³ - k³abc का मान जो होता है वह किसके बराबर होता है, वह आपका होता है एक क्वेश्चन में a+b+c, एक क्वेश्चन में a²+b² + c²-ab - bc - ca। तो एक बार फार्मूला मैं आपको यहां लिख देता हूं, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है एक क्वेश्चन में a+b+c, दूसरे क्वेश्चन में a²+b² + c² - ab - bc - ca। ये जितने फार्मूले यूज रहे हैं सारे क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सारे फार्मूले बेसिक कांसेप्ट बहुपद एवं गुणनखंड के बता दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, a³ + b³ + c³ - 3abc के रूप में है, इसको हम क्या लिखेंगे, a+b+c, a का मान आपका है 1, b का मान आपका है x, + c का मान आपका कितना है 1/x। a+b+c हो गया। एक क्वेश्चन में a² वाला लेते हैं, a² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, प्लस b² यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x² मिलेगा, प्लस c² यानी 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x² मिलेगा। अब देखिए -ab, तो माइनस लगा दिया, a का मान आपका है 1 और b का मान आपका है x माइनस का bc, तो b का मान कितना आपका है x और c का मान आपका है 1/x माइनस का ca, तो माइनस का c का मान कितना है आपका 1/x और a का मान आपका कितना है 1। अब इसी को आपको हल कर लेना है। तो यहां से देखिएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, अब आगे क्या आपका हो जाएगा 1 + x + 1/x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा 1 + x² + 1/x² माइनस 1 का x में गुणा करेंगे माइनस x होगा, और यहां से आपका
माइनस का एक मिलेगा और यहां से आपका क्या मिलेगा, माइनस का वन अपन यस। अब देखिए यह माइनस एक और यह प्लस एक कटेगा तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा वन प्लस एक्स प्लस वन अपन एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपन एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपका है बहुपद 8 ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामा 28 एक्स क्यू माइनस एक के युग्म का उच्चतम उभयनिष्ठ घटक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 4x माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आपका है 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको उच्चतम उभयनिष्ठ ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। आठ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब देखिए इन तीनों व्यंजक में आपका यक्स कामन है तो यक्स मैंने कामन ले लिया तो बचेगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। अब देखिए 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 तो 2 × 4 = 28 और यक्स क्यू माइनस 1 है तो इसको हम यक्स क्यू माइनस 1 ही रखते हैं। अब देखिए यहां से आपका 2 × 2 × 2 × x ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर 1 × 1 और 1 × 2 यानी क्या होगा माइनस x प्लस 1 प्लस का 1। यहां तक आपको क्लियर है, मैंने इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व किया 1 × 1 और 1 × 2 तो x प्लस x कर दिया। अब देखिएगा ये आपका 2 × 2 × 7 है, ये आपका a क्यू माइनस b क्यू के रूप में है, क्यों ए एक्स क्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यू, 1 है तो इसको 1 का क्यूब, यानी आपका a क्यू माइनस b क्यू है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन में a माइनस b यानी x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस का ए बी यानी x गुणे 1 करेंगे तो x होगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए यहां से इसको एक बार और नोट करते हैं तो 2 × 2 × 2 × x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका x स्क्वायर माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो माइनस का x प्लस का 1, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए ठीक। अब देखिए 2 × 2 × 2 और गुणे x हो जाएगा, यहां पर देखिए x कॉमन है तो यहां से x कॉमन है तो मिलेगा आपको x माइनस 1, इन दोनों व्यंजक से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको x माइनस का 1। अब देखिए यह ब्रैकेट सेम है तो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × x और ये आपका यह ब्रैकेट सेम है तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन सारी वैल्यू और इसमें कॉमन क्या है तो 2 × 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है तो x माइनस 1 हो जाएगा, यानी दोनों व्यंजकों में जो उच्चतम उभयनिष्ठ होगा वह 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका है यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह x स्क्वायर माइनस 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्रमशः होंगे, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है तो सबसे पहले आपको व्यंजक दे रखा है 2x³ प्लस का 4x², उसके बाद से प्लस का 2ax प्लस का b आपको दे रखा है, बोल रहा है कि पूरी तरह x स्क्वायर माइनस 1 से विभाज्य है तो आपको a और b का मान निकालना है। ऑप्शन नंबर a आपका है 1, 3, ऑप्शन नंबर b आपका है -1, -4, ऑप्शन नंबर c आपका है
माइनस एक कामा चार, और ऑप्शन नंबर डी आपका है एक कामा माइनस का दो। तो चेक करना है कि ए और बी का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ए और बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको यक्स का मान पता होना चाहिए। तो यहां से देखिएगा, इसको बराबर जीरो करूं तो यक्स स्क्वायर बराबर एक आएगा, यानी यक्स के दो मान आएंगे, यक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस एक आएगा, यानी यक्स के दो मान आएंगे, एक एक आएगा, एक माइनस एक। ठीक, तो सबसे पहले यक्स का मान एक रख करके देखते हैं कि समीकरण क्या बनता है। तो लिखेंगे यक्स बराबर एक रखने पर, तो यक्स बराबर एक रखते हैं तो यहां से होगा आपका टू प्लस का फोर प्लस का टू ए प्लस का बी। देखिए एक रखेंगे तो दो मिलेगा, यहां पर एक रखेंगे तो एक ही होगा, चार गुणे एक चार होगा, प्लस का टू ए प्लस का बी। अब देखिए ये फाइनली क्या हो जाएगा, टू ए प्लस का बी और चार दो छह, ये आपका समीकरण आया। अब प्यारे दोस्तों आपको सेटिस्फाई कर देना है, ए आपका बी है, जिस पर ए और बी का मान रखने पर यह समीकरण जीरो हो जाएगा, वही ए और बी का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी साल करवाया है। तो एक बात आप ध्यान से सोचिए, जब यहाँ पर ए और बी का मान माइनस होगा तभी यह वैल्यू जीरो होगी, यानी आपको जो ए और बी का मान होगा वह माइनस में ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यह प्लस में है, यानी ए और बी का जो मान होगा वह माइनस में ही होगा, तभी यह कट कर जीरो होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, क्या करना है, ए का मान माइनस एक लेना है तो दो गुणे माइनस का एक, बी का मान माइनस चार तो माइनस चार प्लस छह। अब देखिए माइनस दो माइनस चार प्लस का छह, तो यहां से हो जाएगा माइनस छह प्लस छह यानी जीरो, यानी ए और बी का जो मान होगा वह माइनस एक का मान माइनस चार होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस आठ, ब्रैकेट में ए प्लस वन अपान ए प्लस चौदह का गुणनखंड है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो यह क्वेश्चन काफी लेंदी और टफ हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि a प्लस वन अपान ए का मान x के बराबर है, तो लिखेंगे माना कि a प्लस वन अपान ए बराबर x, मैंने मान लिया a प्लस वन अपान ए बराबर x, तो a स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का मान क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का टू। या यदि a प्लस वन अपान ए बराबर x है, a स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस का टू कैसे होता है, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 यानी बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा तो यह आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि a प्लस वन अपान ए बराबर x है तो a स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस का टू कैसे होता है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर की जगह पर रख देंगे x स्क्वायर माइनस का टू प्लस का आठ है, और इस पूरे के जगह मैंने x रख दिया प्लस का चौदह बराबर जीरो, तो यहां से आपका x स्क्वायर और प्लस का एक x। अब देखिए चौदह में से दो घटेगा तो प्लस का बारह बराबर जीरो। अब आपका यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो बारह है तो छह दुना बारह और छह दो आठ होगा, तो यहां से आपका होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। अब आगे देखिएगा, तो यहां से ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 2x प्लस का 12 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा x प्लस का 6, इन दोनों व्यंजक में आपका इन दोनों व्यंजक में 2 कॉमन है तो मिलेगा आपको x प्लस का 6। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, यानी x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, तो यह आपका आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने x बराबर कुछ माना था, अब x का मान रख दीजिए तो x का मान कितना लेना है, a प्लस 1 बाई a, तो हो जाएगा आपका a प्लस 1 बाई a प्लस का 6, यहाँ पर भी x का मान रखेंगे तो a प्लस 1 बाई a प्लस का 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 9xy माइनस 27 का गुणनखंड है। आपको चार ऑप्शन दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ष में दो से तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी पूछा गया है 2005 में और क्वेश्चन नंबर 25 भी पूछा गया है 2005 में ही। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। ये आपका एक्स क्यू है तो इसको लिख सकते हैं ब्रेकेट में एक्स का क्यू। अब देखिए बीच में हम प्लस रखते हैं। इस वाई क्यू को हम क्या लिखेंगे, माइनस के वाई क्यू को हम क्या लिखेंगे, माइनस का वाई पे पावर क्यू। अब देखिए माइनस है तो माइनस नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे। इसको हम लिखेंगे माइनस 27 को माइनस 3 का होल क्यू और 9xy को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे एक्स गुणे वाई और माइनस का वाई गुणे माइनस का 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे हमारा एक फार्मूला का रूप धारण कर ले यह क्वेश्चन और मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाऊं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। देखिएगा x का क्यूब करेंगे x क्यूब, ये आपका देखिएगा ये आपका माइनस का y का क्यूब है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस वाई गुणे माइनस वाई। तो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनली आपका बीच में माइनस ही आएगा, यानी माइनस का वाई क्यूब आएगा। अब बाहर प्लस है तो प्लस और माइनस का पूरा करेंगे तो माइनस ही होगा। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा है जिससे हमारा एक फार्मूला बन जाए। अब देखिए माइनस का 27 है तो इसको -3 - -3 - -3 लिख सकते हैं और बाहर प्लस आता है यहाँ पर। देखिए अब देखिए यह माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होके इस माइनस और इस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, 3 × 9 = 27। अब देखिए 9xy कैसे आएगा, माइनस का 9xy तो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस आपका रहेगा तो 3 × 9 = 9xy। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। जो आपका क्वेश्चन दिया था इसी में ही इन व्यंजकों को मैंने एक इस तरीके से लिखा जिससे हमारा एक फार्मूला का रूप धारण कर ले। अब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप में हो गया। तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला जो होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। यह फार्मूला जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए का मान है एक्स, बी का मान है माइनस वाई प्लस सी का मान है माइनस 3। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर मिलेगा, प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, माइनस का ए बी यानी एक्स गुणे माइनस वाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई मिलेगा, माइनस बी सी यानी माइनस वाई गुणे माइनस 3 करेंगे प्लस 3 वाई मिलेगा, और प्लस सी ए माइनस सी ए तो माइनस 3 गुणे एक्स करेंगे तो माइनस आई ऑलरेडी फार्मूले से, अब माइनस 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x आपको मिल जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए एक्स माइनस वाई माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक्स वाई प्लस 3y, यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा और 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका प्लस का 3y और प्लस का 3x, प्लस का 3y और प्लस का 3x। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का कहीं ये आपका माइनस का 3y तो नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, आपका माइनस होता है फार्मूले से, यहाँ पर देखिए माइनस होता है फार्मूले से bc यानी y का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब फार्मूला का माइनस रहेगा ही, यानी ये आपका माइनस का 3y। कहाँ मिस्टेक हुआ है ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ये आपका माइनस का ए भी माइनस का bc है, माइनस का bc
बी का मान है आपका माइनस का वाई और सी का मान है माइनस का तीन। यह माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन एक माइनस तो रहेगा ही, यानी यहाँ पर माइनस का थ्री वाई रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ पर भी मिस्टेक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी माइनस का ए बी, माइनस का ए बी एक्स और वाई का मान कितना है माइनस वाई, माइनस का ए और बी, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी यह भी प्लस का एक्स वाई होगा। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, यदि 2a plus xb plus c का मान 9b square minus c square minus 2ac plus का 6ab का एक गुणनखंड हो तो x का मान होगा। चार ऑप्शन आपको दिए, ऑप्शन नंबर ए आपका माइनस एक, ऑप्शन नंबर बी आपका है एक, ऑप्शन नंबर सी आपका माइनस का तीन और ऑप्शन नंबर डी आपका है तीन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, यंग का वह मान जिस पर व्यंजक 9x पे पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस nx स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 संपूर्ण वर्ग हो जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका है 16, ऑप्शन नंबर बी आपका है 18, ऑप्शन नंबर सी आपका है 24 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 12। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि यंग के किस मान के लिए यह आपका पूरा समीकरण एक वर्ग होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले आपको यक्ष का मान पता होना चाहिए। लेकिन यह क्वेश्चन ऐसा दिया है कि आप यक्ष का मान पता नहीं कर सकते, आपको मानना होगा, एज्यूम करना होता है। तो मैंने मान लिया यक्ष बराबर एक, मैंने मान लिया कि यक्ष बराबर एक रखने पर, तो यक्ष बराबर एक रखते हैं तो 9 गुणे 1 पे पावर 4 माइनस 12 गुणे 1 पे पावर 3 प्लस n है 1 का स्क्वायर माइनस 8 गुणे 1 और प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 9 मिलेगा, माइनस का 12 मिलेगा, प्लस का n मिलेगा, माइनस का 8 मिलेगा और प्लस का 4। यहां तक क्लियर है? अब देखिए प्लस वाली वैल्यू को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वाली को एक साथ, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, माइनस 12 माइनस 8 माइनस का 20 और आपका प्लस का n है ही। अब देखिए माइनस 20 में से 13 घटाएंगे माइनस 7 प्लस का n। अब आपको ऑप्शन को देखना है कि कौन से ऑप्शन से मैं n का मान रख लूं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि मैं ऑप्शन नंबर ए से लेता हूं, यन का मान 16 लेता हूं, यन का क्या मान लेता हूं 16, तो 16 लग कर देखते हैं कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो रख लेते हैं। तो यहां पर माइनस का 7, यन का मान 16 लेते हैं तो 16 में से 7 घटाएंगे 9 मिलेगा। अब बताइए 9 पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो 9 आपका पूर्ण वर्ग है 3 का। तो इस तरीके से जो यन का मान होगा वह 16 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले मान लेना है x बराबर 1 पर जो आपका समीकरण तैयार होगा उसमें आपको ऑप्शन से n का मान रख करके जिस पे पूर्ण वर्ग बने, मैंने देखा ऑप्शन नंबर ए में 16 दिया है तो 16 रखा है यानी हमारा 9 आ जा रहा है, 9 आपका पूर्ण वर्ग है यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, यदि y प्लस 1 अपन y बराबर 12 हो तब y पे पावर 3 प्लस 1 अपन y पे पावर 3 का मान है। चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों y प्लस 1 अपन y बराबर 12 दिया है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी प्यारे दोस्तों यदि आपका x प्लस 1 अपन x बराबर p के रूप में दिया हो तो आपका जो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर का मान होता है वो p स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। कभी भी x प्लस 1 अपन x बराबर p दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस 2 होता है। वहीं पर यदि x प्लस 1 अपन x बराबर p दिया हो
और x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब का मान पूछे तो इसका जो मान होता है वह आपका होता है पी क्यू माइनस का 3p। तो यह आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, कभी भी x प्लस वन अपॉन x बराबर p हो तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2k होता है, और x प्लस वन अपॉन x बराबर p दिया हो तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब का मान पी क्यू माइनस 3p के बराबर होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, जैसे दे दिया रहे कि x प्लस वन अपॉन x बराबर आपका 9 है, तो आपको x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वन अपॉन x बराबर 9 है, यानी यह p का मान 9 है, तो इसका मान निकालना है, यानी p स्क्वायर माइनस 2 होता है, p का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो 79, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं प्यारे दोस्तों, यह जो क्वेश्चन आपका दिया है बीजगणित सूत्रों पर, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा तो डिटेल में सारी चीजें आपको बता दूंगा कि कैसे ये सारी चीजें होती है। तो यहां से हम अप्लाई करते हैं यह ट्रिक। तो यहां पर x प्लस वन अपॉन x बराबर 12 दिया है, यानी p का मान 12 दिया है, आपको x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब का मान पूछा जा रहा है, यानी पी क्यू माइनस 3p निकालना है। तो पी क्यू, पी का मान कितना है 12 का होल क्यूब माइनस 3, और p का मान कितना है 12, इसी को हल कर लीजिए। तो 12 का क्यूब करेंगे 1728 मिलेगा, माइनस का 12 3 36, अब 1728 में से 36 घटाइए तो आपका 18 में से 8 में 6 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 12 में 3 जाएगा 9 और 16, तो 1692 आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कुछ जरूरी काम है। आज की क्लास में मैंने आपको सॉल्व करवाया क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। कल की क्लास में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल छोटी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।